हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू होम टू इन इंग्लैंड। और आज हम थोड़े बहुत शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे रिटेल पार्क में। शॉपिंग करने आए हैं मतलब हम गिफ्ट्स खरीदने आए हैं। फ्राइडे को हमने जाना है, मेरी कजन सिस्टर है यहाँ पे, उसका बेबी बॉय हुआ था। तो जब बेबी बॉय हुआ तो हम लोग इंडिया में थे, जब से आए तब से हम इतने ज्यादा बिजी है तो हम मौका ही नहीं मिला उसको देखने जाने का। तो फाइनली प्लान बना है कि हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे। टीके मैक्स आए हैं यहाँ से, थोड़ा बच्चे का सामान अच्छा मिल जाता है। बेस्ट लगता है गिफ्ट्स खरीदने के लिए, टीके मैक्स बहुत सही शॉप है। ये देखो आते ही लगा हुआ है सामान, बच्चों का सामान काफी मिल जाता है यहाँ पे। क्या है ये छोटू सा, कितना क्यूट लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। टीके मैक्स में ना काफी स्टॉक मिल जाता है कभी कभी। यहाँ से मुझे शूज बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे लास्ट शूज मैंने यहीं से लिए थे। शूज हमेशा यहाँ पे 35-40 पाउंड के लगे होते हैं और बढ़िया प्राइस में मिल जाते हैं। अभी दिखाता हूँ वैसे मैं। हाँ, गौरव के आई थिंक जो इंडिया में उसने शूज पहने थे ना वो यहाँ। हाँ। और हर कोई पूछता था कहाँ से, कौन से शूज है, कहाँ से लिए है। तो ये सारा शूज का सेक्शन है यहाँ पे। देखो टॉमी हिल्फिगर के लगे हुए हैं 70 पाउंड के, RRP इसका 150 है। अच्छे लग रहे हैं व्हाइट कलर के। ये वाले लगे हुए हैं 50 पाउंड के टॉमी हिल्फिगर के। तो ये सारे ब्रांडेड शूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्पेशली टॉमी हिल्फिगर के शोरूम से लोगे तो काफी महंगे पड़ेंगे आपको। ये देखो सारे यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया शूज आपको मिल जाएंगे। मैं शूज देखने में बिजी हो गया यहाँ पे। अभी जो है वो कपड़े देख लिए छोटे बेबी को। ये कितना सही लग रहा है यार, जैकेट देखो जरा। वाओ, DKNY की क्या सही लग रही है जैकेट, है ना। इसका प्राइस क्या है वैसे? भाई हाथ पे होगा 17 पाउंड ओनली। एक्चुअली सही है, मतलब 17 पाउंड में अच्छा है ना। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। वैसे बड़ों से ज्यादा बच्चों के कपड़े यहाँ पे इतने अच्छे मिलते हैं। जॉर्डन का पूरा सेट लगा हुआ है, इतना सही लग रहा है ना। हमें तो हमारे मिलते नहीं है इतने। हमारे अगर मिलेंगे ना बहुत महंगे महंगे मिलेंगे। और ये 20 पाउंड में मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे टॉय सेलेक्ट कर लिया है। एक ये वाला सेलेक्ट किया है, बहुत ही सही लग रहा है। और एक ये वाला क्यूट सा ये टॉय सेलेक्ट किया, ये बात वाला है। और एक ये वाला अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बहुत क्यूट लग रहा है। अभी देख रहे हो और टॉयज और देख लेते हैं। हमारा मन मचल रहा है टॉयज ले या कपड़े ले। मैं सोच रही हूँ कपड़े तो यार लोगों के और बहुत ही सारे होते हैं, हर कोई कपड़े देता है। तो यार मासी जा रही है, टॉयज तो होने चाहिए। हाँ, ये वाला टॉय तो ठीक है, बट ये वाला टॉय हमने चेंज कर लिया, ये वाला ले लिया है। मुझे ऐसा लग रहा था वो उसमें भी फेस है, इसमें। हाँ, सेम से कलर लग रहे थे। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। गर्मी इतनी हो गई है आजकल। ये यहाँ का रिटेल पार्क है लेमिंगटन स्पा का। और हम लोग जनरली टीके मैक्स से ले लेते हैं, जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। सामने सारे स्टोर्स हैं, नेक्स्ट है, JD है, MNS से देखते हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डोसा खाने के लिए। लेमिंगटन में एक महाराजा करके रेस्टोरेंट है, टेस्ट बड़ा सही है यार। बहुत, मतलब लेमिंगटन में सबसे अच्छा डोसा मुझे यहीं का लगता है ना। तो चलो डोसा और कौन सा, मेदू वड़ा। डोसा और मेदू वड़ा आज रैंडम डेट नाइट हो गई। हाँ। है, उम्मीद नहीं थी। डोसा खा लिया बढ़िया, अब सोच रहे कुछ मीठा खा के आते हैं। हाँ। आज जिम गए ना, तो जिम जाने के बाद खाना पीना तो होता ही है। मुझे ये जगह देख के मेरी किडनी स्टोन याद आ जाता है। हाँ, यहाँ पे हमने खाया था, उसके बाद से दर्द शुरू हुआ था गौरव को। लेकिन वो तो पहले से बन रहा होगा। हाँ, मतलब लेकिन यहाँ इसकी वजह से नहीं हुआ। बरीटो खाया, मेरे को लगा बरीटो की वजह से ही हुआ है कुछ। जब स्टार्टिंग में पेट दर्द होता है तो ऐसे ही लगता है ना कि जो खाया उसकी वजह से हुआ है। खाना खाने के बाद मीठा खाने का टाइम आ गया। क्रीम्स पे आ गए हैं, क्रेप आ चुका है यहाँ पे। और मुझे लगा था एक क्रेप, मुझे लगा छोटा होगा, एक आइसक्रीम होगा। हाँ, काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, वैसे दो बंदों के लिए एक ठीक है। मैं पहले दो ऑर्डर कर रहा था, मैंने कहा एक करता हूँ पहले। चलो भाई सही लग रहा है यार। तो यार बस निकलने का टाइम हो गया। अभी की जो सिस्टर है वो मिल्टन कीन्स के वहाँ पे रहते हैं। हाँ, मिल्टन कीन्स पे रहती है वो। तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो अपना बढ़िया निकलते हैं। और सीधा इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी है भाई, सही है। जिसे कहते मतलब सेम इंडिया वाली गर्मी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एसी भी नहीं है यहाँ पे। एकदम ना चिपचिप वाली गर्मी है, जैसे इंडिया में हो जाती थी ना बारिशों के बाद। यहाँ पे साला बारिश भी नहीं आ रही और गर्मी भी इतनी हो रही है, चिपचिप भी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही। सही में बहुत कुछ सारा, आई थिंक मैं तो शुक्र ही करूंगी भाई, नहीं चाहिए मैं धूप। नहीं, गर्मी नहीं चाहिए भाई, ठंड आ जाए फटाफट, ठंड आए। वहाँ पे ना कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, हमने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं करी है ना भाई, डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे ना वही याद आता है क्या 100 रुपए ले ले, 400-500 रुपए ले ले उतारते हुए। भाई पैराग्लाइडिंग होता है या हॉट एयर बलून होता है, इनमें मुझे डर लगता है, क्योंकि ये थोड़े ना अनकंट्रोल्ड से लगते हैं मुझे। बाकी मैं सोच रहा हूँ हेलीकॉप्टर राइड बुक करें, तो हेलीकॉप्टर राइड भी यहाँ पे होती है बहुत जगह पे, लंदन में भी होती है। तो
हेलीकॉप्टर राइड बुक करके एक एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, मजा आएगा पूरा। हम रस्ते में कितना टाइम रह गया, उसके मैसेजेस आ ही जा रहे हैं। 8 बजे पहुँच जाएंगे। मेरी कजन के ना मैसेजेस आ रहे हैं, कहाँ पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। चले चलो, मासी आई है। मासी आई है, मासी। तो हम लोग आज आए, आपको बताया था कि मैं अपनी कजन के घर पे जा रही हूँ, तो ये है वो मेरी कजन। इसका नाम है, हम लोग इसको अलीशा बोलते हैं, बट इसका नाम हरकीरत है, जो कि हमने कभी नहीं बुलाया। बट यहाँ पे आई थिंक आप लोग बुलाते होंगे इसको हरकीरत। हाँ जी। और क्या बुलाते हो ऐसे? हरकीरत। हरकीरत ही तो बुलाते हो, घर का कोई नाम है? छोटा मोटा नाम तो रख लेते हैं। जानू है ये तो आप बुलाते हो। और ये है मेरे कजिन के हस्बैंड सचिन जी। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि ये मेरी सेकंड कजिन है, इंडिया से, जलंधर में रहती है ये। एंड इसके पापा और मेरे पापा जो है, दे आर वेरी वेरी क्लोज। तो मतलब बचपन से होता है ना कि आपके जो फर्स्ट कजिन्स होते हैं उनके साथ बहुत बनती है, तो मेरे पापा और इसके पापा की बहुत ज्यादा पटती है। तो इसलिए मेरे पापा भी काफी जाते थे जलंधर और इनकी फैमिली भी काफी आती रहती थी। सो वी आर रियली क्लोज। तो जब ये इधर आई तो कोविड था एंड शी केम टू गेट मैरिड हियर। इनकी शादी आई थिंक इंडिया में हो गई थी, बट फंक्शंस यहाँ पे हुए थे, तो सारे फंक्शंस हमने करवाए थे। मतलब वी वर द मेन वन। यार कितना सही है ना कि हमें इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है कि लड़की वालों की तरफ से सिर्फ हम लोग थे। तो हमने सारे ना, जैसे होता है ना कि मेन सब कुछ हमने करवाना है, फेरे हो रहे हैं तो हम वहाँ पे हैं, और रिसेप्शन पे भी हम लोग गए। थी हमारी। तो मैंने कहा बड़े बड़े वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि इंडिया में इतने लोग होते हैं बड़े, सारी चीजें करने वाले, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, वो पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता करना क्या है। तो यहाँ पे हमें पूरा फुल मौका दिया गया, हमें पूरी टोर थी हमारी, पूरी इम्पोर्टेंस हमें दी गई। जो मेरा भाई है यहाँ पे मनमीत, वो कह रहा था मेरी सगी बहन यही है, क्योंकि इसकी शादी में मेरे को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली है, मेरी शादी में उसको किसी ने नहीं पूछा। तो मनमीत भी यहाँ आ चुका था तब तक। हाँ, तो वो छोटा भाई था तो उसको किसी ने नहीं पूछा मेरी शादी में, बट इसकी शादी में पूछा, ये मेरी सगी बहन है। तो हम लोग बहुत देर से आए हुए, बातें में बातें चली जा रही है, खा पी भी लिया हमने, अभी बातें हमारी कैरी ऑन है। और इनका एक छोटा सा बेबी, अभी बेबी के साथ हम बहुत देर तक खेल रहे थे, वो सो गया है अभी, बेबी सो गया है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? यार ये अच्छा है ना, पंजाबी में बात करते हैं, बड़ा मजा आता है। वैसे मेरी भी काफी प्रैक्टिस हो रही है। वो जलंधर से है ना, तो वो पंजाबी चलती है वहाँ पे ज्यादा। इसको नहीं आती है बहुत ज्यादा, समझ लेती है बट बोलने में ज्यादा नहीं आती। जैसी इसकी हिंदी है वैसी मेरी पंजाबी है। इसका ना फोन आता रहता है ना, मैं बात करती रहती हूँ पंजाबी में, ट्राई करती हूँ कि कॉन्वर्सेशन करती हूँ। आई रियली ट्राई, यू हैव टू अग्री कि मैं करती हूँ। और फिर ना थोड़ी देर बाद मेरे को लगता है यार मेरी तो पंजाबी खत्म हो रही है, मैं क्या करूँ, फिर मैं हिंदी पे आ जाती हूँ। oh हो जाती है मेरी खत्म, फिर ना वो हो जाता है, फंबल होने लग जाता है। जितने कम्फर्टेबल हम हिंदी में उतने पंजाबी में नहीं है। वो तो होता ही है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी में बात करते हैं ऑफिस में, जब हम इंग्लिश में मीटिंग करते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद, मतलब इतनी भी देर बाद नहीं, आधे घंटे बाद नहीं, मतलब 3-4 घंटे तक अगर आपने इंग्लिश बोल ली ना, तो उसके बाद होता है यार मुंह दर्द हो गया, अब थोड़ा हिंदी में। नाउ वी डू फॉर सो लॉन्ग, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होता था, our head used to hurt like a lot, because you're thinking about speaking in English. But your language is English, so you don't. हाँ सुजीत, आपकी तो मतलब आप तो यहीं पे ही रहे हो ना स्टार्टिंग से, तो आपका तो डेनमार्क में। हाँ जी हाँ जी। Are you born in Denmark? Born in Denmark. Okay, born in. But raised in UK mainly. Raised in 10 साल तो इतने ही। हाँ 10 साल। 10 साल की उम्र दी। 10 साल की उम्र तो। हाँ। अपनी सोनी कुड़ी आलू बड़े करारे। डिनर लग चुका है भाई यहाँ पर, और सैलेड देखो बहुत ही सही, ओए होए पनीर, और यहाँ पर राजमा, साथ में यहाँ पर है पत्ता गोभी,
वाह मजा ही आ गया। इनकी बात ही खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे। साढ़े बारह हो गए अभी एक घंटा लगेगा घर जाने में। पता नहीं लगा ना। हाँ ये तो बैठते ही सो जाएगी गाड़ी में इसको तब पता चलेगा। एक घंटा आराम से सोऊंगी। चलो गाने को सुना दे। हाँ ये को गाने चला के और तेज नहीं ये खराटे मारती है फिर।